सिवनी पेंच नेशनल पार्क के बफर एरिया के ग्राम गोंडे गांव में बाघ के हमले से एक की मौत और दो ग्रामीणों के जख्मी होने के मामले में ग्रामीणों में रोष है। बाघ का रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम के 6 वाहनों में तोड़फोड़ कर 3 वाहनों को नाले में पलट दिया गया। वहीं कुछ अफसरों के साथ मारपीट भी की गई। आक्रोशित भीड़ और उनके जानलेवा हमले को देखकर वन अधिकारी और उनका अमला जान बचाकर भाग गया। इसके बाद से पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। क्या शासन प्रशासन को समझाने के लिए कि इनका ऐसा हादसा अब की बार नहीं होना चाहिए? बार बार नहीं होगा विधायक जी, नहीं होगा। हर घटना के बाद बोलते हैं नहीं होगा, तो अब ये जो नहीं होगा तो ये लोग या तो फिर ऊपर खबर नहीं करते हैं। यहाँ के लोग जो घटना घट गई, यहाँ के जो अधिकारी हैं या कलेक्टर जो जिम्मेदार यहाँ का आदमी है, अब कलेक्टर बोलेगा फॉरेस्ट का मामला है। अरे तू कलेक्टर है, ये पूरा का पूरा जिला तेरे उसमें, लेकिन कभी कोई संज्ञान मतलब हद हो गई इतने बड़े अधिकारी, मतलब किसी की मौत हो गई, जान चली गई, एक परिवार आज जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहा होगा उनको कोई मतलब नहीं उठता। चंद पैसों से जिंदगी खरीद सकते हैं क्या हम लोग? मैं सड़क में बैठा हूँ, उसके बाद जो देना इनको वही दे रहा हूँ, उसमें एक रत्ती भर का, रत्ती भर भी इन लोगों ने ज्यादा नहीं दिया, कोई नहीं। मैंने कहा चल, लेकिन इस बात को तो ऊपर रखें, मैंने तो रखा, लेकिन इस बात को यहाँ के जो जिम्मेदार है, यहाँ के जो फॉरेस्टर है, यहाँ के जो कलेक्टर है, वो तो बताएगा कि हमारा ये जो क्षेत्र है साहब, यहाँ पे आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, शेर गांव में घुस रहा है, क्या किया जाए? उसकी कोई योजना बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए?